हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक नई सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका ये पार्ट वन है। और इसमें हम कवर करने वाले मैथ के टॉप 200 क्वेश्चन, जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये पहले भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये स्पेशली आरपीएफ और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एक को भी मिस मत करिएगा। जितने भी पार्ट अपलोड होंगे सारे पार्ट देखने हैं आपको, और नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को अगर आप ऑन कर लेते हैं तो आपके पास हर एक पार्ट का नोटिफिकेशन भी पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। इसी सिक्वेंस में मैंने रीजनिंग का भी और ऑनलाइन टेस्ट जीके के भी क्वेश्चन भी अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं, तो आपको उनका भी नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए। और प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने सभी ग्रुप में, अपने जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी आपने व्हाट्सएप फेसबुक पे ग्रुप बना रखे, उनको भी शेयर कर दीजिए कि सीरीज स्टार्ट हो गई है। एग्जाम अगर क्रैक करना है अभी भी टाइम है, अभी भी कर लोगे 15 दिन में अगर ये सीरीज फॉलो कर लेते हो। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर वीडियो पसंद आए ना तो एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा मेरे लिए, ताकि मैं आपके लिए लगातार इसी तरीके की वीडियोस बनाता रहूं। चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 300 मीटर लंबी दीवार 12 दिन में तैयार कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बना सकेंगे। भैया मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिखी है, अगर काम सेम नहीं है तो आपस में बदल दो, बिल्कुल आपस में बदल दो, ये ट्रिक है। और यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 300 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बना देते हैं। तो मैंने लिखा व्यक्ति, घंटे, काम और दिन। 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 300 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बना रहे हैं। फिर दूसरी साइड बोला जा रहा है कि 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। तो 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे, ये आपको निकालना है। तो मैंने क्या बोला अभी आपको ट्रिक में, कि अगर काम सेम नहीं है तो बदल दो। तो यहाँ पे काम कितना था 300 और यहाँ पे 200 हो गया, तो काम सेम नहीं है तो बदल दो, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 200 तो ऊपर चला जाएगा और ये 300 नीचे आ जाएगा, और आपका काम बिल्कुल आपका आंसर आ गया है, समझिए आप। ठीक है, यहाँ पे कई बार क्या होता है, काम सेम रहता है, ये 300 है तो यहाँ पे 300 ही कराने के लिए बोल दिया जाता है अलग आदमी से अलग घंटों पे, तो वो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो जाता है करना, वो भी ऐसे ही है, बट जब सेम नहीं होगा तो काम को बदल लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x बराबर 40 गुना 6 गुना, यहाँ पे 300 की जगह बस 200 कर देना है, 200 गुना 12, बस आपको इतना करना है। और नीचे डिवाइड किससे करना है, 30 गुना 8 गुना, यहाँ पे 200 की जगह 300 कर दीजिए, बस इतना आपको करना है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, जो चीज़ें कट सकती है कट कर दीजिए, जैसे ये कट जाएगा आपका, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 8 चार बार, 4 से कट जाएगा 3 बार, और यहाँ पे ये कट जाएगा आपका 0 से 0, ठीक है, और ये 3 से 3 कट जाएगा एक बार, तो यहाँ पे 4 और 2 बच गया, यानी कि 8 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अभी एक और इसी तरीके का क्वेश्चन आपको वीडियो के एंड तक मिल ही जाएगा, अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पुस्तक विक्रेता को 2 पुस्तकें 240 रुपये प्रति पुस्तक बेचने पर एक पुस्तक पर 20% का लाभ व दूसरी पर 20% की हानि हुई, उसे कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई। अब यहाँ पे रुपीज़ में पूछा जा रहा है कि कितना लाभ या हानि हुई, दो तरीके बताऊंगा, दोनों ही सिंपल है। सबसे पहला तो ये है कि 240 ये प्रति पुस्तक बेची जा रही है, तो एक 240 पर बेचते हैं तो हानि होती है और एक पे लाभ होता है। तो दोस्तों एक यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई, इसको 3 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, ठीक है। तो ये 240 को जब 240 रुपये प्रति पुस्तक मतलब पुस्तक बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है, तो 240 कितने परसेंट की वैल्यू बच गई आपकी, जब 20% की हानि होगी तो 80% की, तो 240 आपकी कितने 80% की है, इसको 100% बना लेंगे तो 80 से जाएगा 3 बार और 3 की 100 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 300, जहाँ पे 200 लिखा ना यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, गलती से लिखा गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
यहाँ पे 240 को हम 120 से भाग करेंगे तो ये जाएगा कितनी बार, दो बार, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 200। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 300 की चीज़ को जब मैं 240 में बेचता हूँ तो मुझे 20% की हानि हो जाती है, और जब मैं 200 की चीज़ को 240 में बेचता हूँ तो 20% का प्रॉफिट हो जाता है। कुल मिला के मेरी चीज़ थी कितने की, 500 की, और मैंने इसे 240 यानी कि 480 में बेचा तो कितने की हानि हो गई, 20% की हानि हो गई। इसी क्वेश्चन को आप एक तरीके से और भी कर सकते थे, आशा करता हूँ कि ये तो समझ में आ ही गया होगा। दूसरा तरीका ये था, मैंने आपको बताया इस कंडीशन में हमेशा हानि ही होगी, क्योंकि एक तरफ 20% का लाभ हुआ, दूसरी तरफ 20% की हानि होगी। कभी भी एक ही परसेंटेज का लाभ और हानि होती है ना, तो हमेशा उस क्वेश्चन में हानि ही होगी, ये लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, ये इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला है। जहाँ पे भी दो परसेंटेज को एक बनाना हो तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ पे परसेंटेज में पूछा जाता कि कितनी हानि और आपको लाभ हुआ या हानि हुई, तो आपको क्या करना था, 20 माइनस का लिखते हानि हुई और 20 प्लस का लिखते, दोनों कट जाते। यहाँ पे आपका 20 गुना 20 करते तो कितना हो जाता आपका, ये हो जाता, जीरो से जीरो कट जाएगी, यानी कि 4% की हानि आ जाती अगर परसेंटेज में पूछा जाता। और आप इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 240 का 4%, तब भी आपका आंसर यही आना था। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, एक एक पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर समझ में आता रहे तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा समझाने की जरूरत ना पड़े, कि बार बार पूछने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्स की एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक्स कोई बंदा है, उसे परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। वह 178 अंक प्राप्त करके 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि उसको 178 नंबर मिले और वो 22 से फेल हो गया, ठीक है। तब कुल पूर्णांक क्या है, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 40% के बराबर कितना हो जाएगा भाई, 40% तो पासिंग मार्क्स है ना, अगर उसको 40% मिलते हैं तो वो पास हो जाता है, तो उसको 178 मिले हैं, तो अगर 178 में मैं 22 और प्लस कर दूं तो वो पास हो जाएगा। तो जब 40% हमें पता है पास है, और यहाँ पे 178 और 22 को प्लस करते हैं तो 200, यानी कि जब उसको मैं 22 मार्क्स दे दूंगा 178 में, वो पास हो जाएगा, तो इस 40% के इक्वल हो जाएगी 200। अब आपको 200 पता चल गया 40% के इक्वल है, तो 100% के इक्वल क्या होगा ये आपको निकालना है। तो 200 को डिवाइड कर दीजिए 40 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 100 में, तो कितना हो जाएगा 500, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हैं आपके, ये हो जाएंगे 500। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों अगर पसंद आ रही होगी ना, कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो बाद में लाइक कर लीजिएगा, पर कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है किसी संख्या का 25% उसके 30% से 15 कम है, वह संख्या है। देखिए यहाँ पे एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि होते बहुत आसान है बट लैंग्वेज एकदम से समझ में नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे बोला किसी संख्या का 25%, यानी कि किसी संख्या का जब मैं 25% निकालूंगा तो उसके 30%, उसी संख्या का 30% मैं फिर निकालूं तो वो 15 कम आएगा, ये 25% जो है, ठीक है। मान लेते हैं संख्या है एक्स, एक्स का मैंने 25% निकाला, ठीक है। 25% बस आप लिख लीजिए, 25% को जब लिखते हैं ना परसेंटेज में वैल्यू होती है, उसे 100 लिख लेते हैं, 25/100, ठीक है। तो एक्स का जब मैं 25% निकालूंगा वो कब इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये जब 30% एक्स का मैं 30% निकालूंगा तो वो 15 अधिक होता है, तो मैं 30% निकाल के इसको 15 माइनस कर दूंगा, क्योंकि जब 30% उसी नंबर का निकालता हूँ तो ये 15 अधिक हो जाता है, तो 30% निकालने के लिए 15 मैं माइनस कर दूंगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, 25% के। तो यहाँ पे बस आपको जो चीज़ें कट हो सकती है कट कर दीजिए, 25 से जाएगा 4 बार, तो यहाँ हो जाएगा एक्स अपॉन में 4, ठीक है, ये जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा x अपॉन में 4, और इधर हो जाएगा आपका 3x अपॉन में 10, और ये माइनस हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 को माइनस 15 को एक साइड में ले जाते हैं, x वालों को एक साइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन में 4 माइनस 3x अपॉन में 10 इक्वल माइनस 15, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया इनका 20, तो 4 से जाएगा 20 5 बार, तो 5x, और ये जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो ये हो जाएगा 6x।
तो x 6x में से 5x माइनस करेंगे तो x बचेगा और नीचे 20 और ये हो जाएगा माइनस 15 सॉरी। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर 20 की 15 में करेंगे तो 300, तो x की वैल्यू आपकी 300 आ जाएगी। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि मान बताइए संख्या, यानी कि वो संख्या है कितनी, वो संख्या आपकी 300 है। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप इजीली कर लेंगे। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, दोनों एग्जाम में, तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आरपीएफ एसआई भी वैसा ही है आपका, कॉन्स्टेबल भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा एग्जाम में जो लेवल होता है वो डिफरेंट हो जाता है, बट क्वेश्चंस का लेवल इतना भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का योग 37 है, यानी कि दो संख्याओं को अगर प्लस कर दिया जाए, मान लेते हैं दो संख्या ए और बी, दो संख्याओं को प्लस करते हैं तो 37 है, गुणनफल उनका 330 है, यानी कि उनका जो अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 330 है। इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, इन संख्याओं का क्या बताना है आपको, अंतर बताना है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा a माइनस बी का स्क्वायर बराबर किसके होता है, a प्लस बी के स्क्वायर माइनस 4ab के, पता है ना आपको ये फॉर्मूला, मैं आपको पहले भी एक बार कवर कराया था ये सारे के सारे फॉर्मूलेस। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, a माइनस बी का स्क्वायर वैसे सभी को पता ही होगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो यहाँ पे हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है और a इंटू बी की भी पता है, तो इजीली हो जाएगा। a प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a और b की वैल्यू पता है 37 है, तो इसका 37 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस 4 गुना a और b की पता है 330 है, तो 4 मल्टीप्लाई 330 में कर देंगे। तो यहाँ पे 37 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1369, और माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 1320, यानी कि 1320, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 49। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये 49 ये इसके इक्वल आएगा, यानी कि a माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो a माइनस बी के स्क्वायर 49 है, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 7, क्योंकि 7 किसका स्क्वायर होता है 49 का। तो a माइनस बी यानी कि a और b का डिफरेंस कितना है 7, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो भैया इस टाइप के क्वेश्चन भी जरूर कर लीजिएगा और ये और प्रैक्टिस कर लीजिए, और भी इसी तरीके के क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूंगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। ए का भार बी के भार से 10% अधिक है, तो बताओ बी का भार ए के भार से कितना प्रतिशत कम है। तो ए का भार बी से 10% अधिक है, मान लीजिए तो बी का भार 100 है, तो ए का भार 10% अधिक है, इसका कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ए का भार बी के भार से 10% अधिक है, तो बी का मैंने 100 माना, तो ए का कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब पूछा है यहाँ पे, तो बताओ बी का भार ए के भार से कितना प्रतिशत कम है, बी का भार ए के भार से कितना प्रतिशत कम है। तो डिफरेंस निकालिए, कम कितना है 10 से, जिससे कंपेयर किया जाता है उसे नीचे लेते हैं, उसे नीचे लेते हैं जिससे कंपेयर किया जाता है। यहाँ को बी का भार ए के भार से कंपेयर किया जा रहा है कि बी का भार ए के भार से कितना प्रतिशत कम है, तो नीचे आ जाएगा ए का भार, तो 110 गुणा कर देंगे 100 से। जब जो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है ना, कि वही यही रहता है कि नीचे कौन सा रखें, बी रखें ए रखें, भाई ए को तो सॉरी बी को तो हम कंपेयर कर रहे हैं ना ए से, तो कंपेयर जिससे किया जाता है उसे नीचे रख देते हैं। तो 110 गुणा 100 कर देंगे, तो 0 से 0, 100 से डिवाइड करेंगे 11 से डिवाइड कर देंगे 100 को, तो 9 सही 1/11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंशाधारण तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 4 है, वह धनराशि है, धनराशि आपको बतानी है। बट डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपने किया होगा, तो एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, डिफरेंस बराबर होता है पी ब्रैकेट आर अपॉन 100 का स्क्वायर 2, यानी कि स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, आर अपॉन 100 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में, जब 2 वर्ष की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपको 2 रखना है, 3 वर्ष का मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट यही है, यही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 4 दे रखा है, तो डिफरेंस कितना है 4 है, तो डिफरेंस बराबर क्या है, पी हमें निकालना है, उसको पी को वैसे रखिए। आर कितना है, आर परसेंटेज यानी कि 4 है, तो 4 अपॉन में 100 रखेंगे, और 2 साल का पूछा है तो आपने 2 यहाँ पे लगा दिया। फिर आपको क्या करना है, 4 बराबर इसको हम कट कर देंगे, इसको कितनी बार जाएगा 25 टाइम, तो 1/25 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर 4 बराबर पी इंटू
वन अपॉन में 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा, तो ये वन अपॉन 625 हो जाएगा। पी बराबर कितना हो जाएगा 625 इंटू 4, क्योंकि इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बच जाएगा पी अपॉन 625, ठीक है, और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की और 625 की, तो P बराबर आपका 2500 आ जाएगा, यानी कि 2500 राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है 2500 है, यही आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर ये ट्रिक पता है तो आप इजीली कर लेंगे, अगर नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी ना, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए आप भी क्वेश्चंस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप है, तीसरे वर्ग का परिमाप आपको बताना है और दोनों के जो क्षेत्रफल का योग है वो उसके बराबर क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले प्रथम वर्ग का भुजा कितनी होगी, जब इनके परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होगा, तो यहाँ पर चारों भुजाओं का योग 24 है, तो प्रथम वर्ग की जो भुजा होगी वो कितनी होगी, 24 को 4 से भाग कर देंगे 6 सेंटीमीटर, तो प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 की 6 में कर देंगे, यानी 6 का स्क्वायर हम कर दें तो जब भी ये 36 आ जाएगा, 6 की 6 में कर देंगे लेंथ इनटू ब्रेंथ, तब भी आपका 36 आ जाएगा। तो प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 36 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक। दूसरे वर्ग का भुजा, यहाँ पे 32 को 4 से भाग करेंगे, क्योंकि भुजा चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप, तो 32 को 4 से भाग कर देंगे तो एक भुजा की आपकी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 गुना 8 यानी कि 64 आपका हो जाएगा। यहाँ पे बोला तीसरा वर्ग क्या है, दोनों भुजाओं दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग, देखिए मैं दोबारा से पढ़ के बताता हूँ, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए, तो इन दोनों को हमने प्लस किया कितना है 100 सेंटीमीटर, तो तीसरे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी। जब भी हमें क्षेत्रफल से हमें भुजा निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, रूट कर देते हैं, तो रूट 100 का रूट निकालेंगे तो कितना है 10 है, ठीक है, तो ये आपका 10 आ गया। तो तीसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा भाई, बस 4 की मल्टीप्लाई 10 में कर दीजिए, क्योंकि ये आपका हो जाएगा 40, तो 40 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो तीसरे वर्ग का जो परिमाप है वो 40 हो जाएगा, ठीक है, परिमाप आपका चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, तो चारों भुजाओं का योग कितना होगा, 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, तो ये आपका 10 ये हो जाएगा 10 सॉरी, ठीक है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 तो 40 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ए व बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, बी व सी उसे 15 दिन में तथा सी ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए 20 दिन में कर रहे हैं, और जो इनका तीनों का एलसीएम आएगा वो कितना है, 60 हो जाएगा, ठीक है, तो टोटल वर्क आपका 60 आ गया है। इसमें पूछा सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो जो टोटल वर्क है अगर मैं इसे 10 से भाग कर दूं तो ए और बी का एक दिन का कार्य पता चल जाएगा, तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ए और बी एक दिन में 6 यूनिट वर्क करते हैं, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो बी और सी एक दिन में 4 यूनिट वर्क करते हैं, और 60 को 20 से भाग करेंगे तो सी और ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे सी है, सी यहाँ पे दोनों को प्लस कर लीजिए और ऊपर वाले को माइनस कर दीजिए जहाँ पे सी नहीं है, तो सी का कार्य आ जाएगा, तो 4 और 3 7 और 6 में से 7 में से 6 माइनस कर देंगे तो सी का एक दिन का कार्य आ गया, यानी कि 1, ठीक है 1। तो ये सी भी दो बार रिपीट है भाई, सारे दो दो बार रिपीट है ना, जब भी दो दो बार रिपीट होते हैं तो जो टोटल वर्क आप लेते हैं एलसीएम लेके उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, समझे, क्योंकि ये दो दो बार रिपीट हैं, तो वर्क को या तो डबल करिए या फिर इसको 2 से डिवाइड करके इसको हाफ करिए, तो इसको 2 से डिवाइड करके तो 0.5 आ जाएगा, तो ये तो पॉइंट में आ गया, इसको हम छेड़ते नहीं हैं, तो इसे ही डबल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 120, तो टोटल वर्क आपका 120 हो जाएगा। ये केवल उसी कंडीशन में करना है जब सारे के सारे दो बार हो, तो ए भी दो बार है, बी भी दो बार है, सी भी दो बार है, यानी कि सारा का सारा वर्क जो इनका आया है वो दो गुना आया है, यानी कि इसको भी आधा करिए, इसको भी आधा, इसको भी आधा, तब तो आपका क्वेश्चन ठीक है। बट अगर ये 6 लिखा है आपने, 4 लिखा है, 3 लिखा है, डबल है, यानी कि सबका दो दो बार वर्क काउंट किया गया है, तो 120 को 1 से डिवाइड करिए तो 120 डेज में सी अकेला इस कार्य को कंप्लीट करेगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए
तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का योग आपको बताना है। तो यहाँ पे दो संख्या है 2:3 यानी कि 2x और 3x, इनमें अगर तीन तीन में प्लस कर देता हूँ तो ये रेशो बन जाता है, यानी कि अगर मैं इन तीनों दोनों में तीन तीन प्लस कर दूँ तो ये इस रेशो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 2x और 3x में मैंने तीन तीन प्लस किया और इस रेशो के इक्वल लिख दिया। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की इधर करेंगे 8x और 4 की 3 में करेंगे 12 हो जाएगा। 3 की 3x में करेंगे तो 9x और 3 की 3 में करेंगे 9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया आपका, ये 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 9x में से 8x माइनस करेंगे x बचेगा और 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई है। अब यहाँ पे पूछा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों संख्याओं का योग आपको बताना है। तो 2x और 3x में x की जगह रख दीजिए 3, तो 2 × 3 और 3 × 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9, तो 6 और 9 को प्लस करेंगे हो जाएगा 15। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 15 कैसे आया, दोनों संख्याओं का योग ये आ गया है।